हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह मैं नहीं उठी हूँ जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से 6:30 बजे उठती तो बर्फ़ ही बन जाती पूरी। आज बहुत ज़्यादा ही ठंड है और अभी है 10 डिग्री, जबकि अभी बज रही है, अपनी घड़ी है पर उस हाथ से कैमरा पकड़ा है इसलिए घड़ी देख नहीं सकती। अभी बज रही है 10:41 और बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से हाथ वगैरह सब ठंडे हो गए। अभी हाथ धोए ऐसे कर करके गर्म करने पड़ रहे हैं। और चिकू को मैंने लड्डू दिया था सर्दी का खाने के लिए, तो उन्होंने आधा ही खाया तो आधा मेरे लिए रख दिया। और कल रात को बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी इसलिए हमने मोटी कंबल निकाल दी, पतली वाली को पैक करके रख दिया, इसकी जगह पे पतली वाली को रख दिया, फिर मोटी कंबल निकाल दी। अभी पूरे विंटर में 3 स्टेप्स में कंबलें चेंज हुई हैं। पतली वाली जो हम रेगुलर ऑर्डर थे वो फर्स्ट में ऑर्डर थे, फिर थोड़ी सी मोटी निकाली और फिर अभी और मोटी निकाली और ठंड बढ़ गई तो हमारी रज़ा ही निकलेगी इसलिए सब स्टेप वाइज काम होता है। तो ये आधा लड्डू रह गया चिकू का, तो अब आधा हम चिपका देते हैं। और आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। मैं आपको मकर संक्रांति तो विश करना भूल गई, मैं पतंग वगैरह उड़ाती नहीं इसलिए नहीं बता सकती, बाकी उड़ाती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। पहले उड़ाते थे बचपन में। मैं नहा कर हो चुकी हूँ रेडी। बहुत ही ज़्यादा ठंड होने की वजह से थोड़ा सा लेट नहाया गया है और थोड़ा बहुत काम भी किया गया। रूम में जो कंबल कल हमने अंदर रखी वो मैंने सोचा कि ना वॉश करके ही रखूँ, तो वॉश करके रखी है वो ब्लैंकेट, और पेटदान वगैरह कुछ धोने थे वो भी धो लिए, और सलून वाले जो रुमाल थे वो ऐसे ऐसे वॉशिंग मशीन में पड़े थे बहुत दिन, यानी दो दिन हो गए थे, बिजी के चक्कर में धुल नहीं रहे थे, तो ये धो के सूखा दिए। और अभी साथ में ही बन रहा है खाना, चने की दाल, रोटी और चावल, और साथ में आज बन रही है मकर संक्रांति तो तली के लड्डू पापड़ी दोनों बनेंगे, जो भी अच्छा लगे वो बनेगा। अभी मम्मी उसी की तैयारी कर रहे हैं। खाना तो बन गया है, बस अब रोटी बनानी बाकी है। ये दाल का मसाला फ्राई हो गया और चिकू आ गए दुकान से खाना खाने के लिए, पर खाना पूरी तरीके से बना नहीं है तो यहाँ पर बैठ के चिल कर रहे हैं इनके पहले वाले रूम में। खाना बन चुका है, चने की दाल और ये सब स्टैंड पे मैंने रख दी है, और ये इधर साइड बन गई है तल की पापड़ी, तो तिल की पापड़ी भी तैयार है। मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ और फिर जाना है शॉप पर, क्योंकि शॉप पर क्लाइंट्स के कॉल आ रहे हैं इसलिए। खाना हो गया है, अब जो तली थी वो सारी मैंने अलग अलग रख दी है, और चने और खजूर मंगवाए जो कि इनके साथ रखेंगे। और आज के दिन हम यानी खुशियाँ बांटने के, यानी एक तरह से ये खुशियाँ ही है, खुशियाँ बांटने के लिए एक दूसरे घर पे। अरे यार, ये वॉकी टॉकी कल चालू कर दिया है चिकू ने, मर्जी पड़े तब बोलते रहते हैं। यानी ये सब चीज़ें खुशियाँ बांटने के लिए एक दूसरे के घर पे देते हैं, वो हमारे घर देंगे, हम उनके घर पे देंगे, अंकल आंटी के यहाँ पे। थोड़ा अर्जेंट में हूँ क्योंकि कस्टमर आ गए। हाँ बेटा, ये छोटी डॉल के हेयर्स हैं, इनको हम अभी कट करेंगे। ये 1 लेंथ बाल हैं, अब इनको हम करेंगे पूरे लेयर कट, जो कि इनके ऊपर बहुत पेटी लगने वाले हैं। हेयर कट हो गए डॉल के, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आपको आपके बाल? अच्छे। ओके, कैसे लगे बाल आपको? बहुत अच्छे। मज़ा आया? अभी सारे अपॉइंटमेंट्स किए हैं कंप्लीट, और मेरे करवा देती हूँ मैं हेयर वॉश, क्योंकि मैंने कल रात को करवा दिया था मम्मी से ऑयल, तो सुबह मुझे टाइम ही नहीं मिला, और मेरा शैम्पू पड़ा था यहाँ पर शॉप पर, तो मैं हेयर वॉश करवा देती हूँ। और ठंड भी बहुत लग रही है, स्वेटर पहन लेती हूँ, स्वेटर पहन के काम नहीं होता इसलिए स्वेटर निकाल दिया था मैंने। हेयर वॉश हो गया है, अब चलते हैं आगे वाली शॉप पर। और मैंने बाल को भी अच्छे से सुखा लिया है, मेरे बाल स्ट्रेट हो गए एकदम से, और आगे चलते हैं यार। तो अभी बज गई हैं 6, मैं थोड़ी देर आगे वाली शॉप पर बैठी, तो अब जाती हूँ घर पर, और घर पर जाकर अब पता करती हूँ क्या प्रोग्राम है आगे का, क्योंकि हर साल शाम को हम सब जने इकट्ठे बैठ के फ्राइड चने और घुघरी खाते हैं, इसीलिए जिसकी भी बॉडी के ऊपर टैनिंग है उसके लिए ये एंटी टैन स्क्रब ऑर्गेनिक हार्वेस्ट में अवेलेबल है। मस्ट ट्राई दिस। इसके बारे में आपको कल के ब्लॉग में बताएंगे पूरा। चिकू आ गए लेने के लिए। घर पर आ गई थी तो फिर मैंने जैसे कि वो कुछ चने और वो बनाने का था, वो प्लान रखा कैंसिल। और आज बना रहे हम पाव भाजी, और पाव भाजी के लिए वेजिटेबल्स कट करके अब ये बॉईल करने के लिए रख देंगे और एक तरह मसाला फ्राई कर देंगे। और पाव भी आ गए हैं तो फटाफट से करते हैं काम चालू। अभी वेजेस हैं वो बॉईल हो रही हैं और हमने कर दी है मसाले की पूरी कम्प्लीटली तैयारी। इधर शिमला मिर्ची प्याज दोनों कट करके चॉप करके रख दिया है। इधर टोमेटो भी ग्राइंड कर दिए हैं, चॉप कर दिए हैं। और ये कढ़ाई रख दी है, अभी इसके अंदर डालेंगे ऑयल और हाफ बटर ताकि बटर जले नहीं। अब ये इसके अंदर जाएगी प्याज और शिमला मिर्ची। पाव भाजी का ये मसाला हो रहा है रेडी। जब तक ये अच्छे से पकता है तब तक हमारी वेजीज है वो बॉईल हो गई हैं। अब इनको कर देते हैं बंद और इस मसाले को अच्छे से पकने देते हैं। प्रेशर निकल चुका है, अब सारी सब्जियों को कर देते हैं मैश। ये हमारा मसाला जो कि पक के तैयार हो गया है। कलर आया एकदम मस्त रेड कलर आया है। हमारी भाजी तो बनके हो गई है एकदम से रेडी। और हेल्प मौरवी की थोड़ी सी बातें, पर आज तो बोल ही नहीं रही है। तो अभी बस अब पाव को सेकेंगे और टेस्ट करके हेली दीदी बताएंगे कैसी बनी है। रिटर्न फ्राई हो गया है भाजी, पाव भाजी रेडी। और अभी मैं और हेली दीदी टेस्ट करेंगे और हेली दीदी रिव्यू देंगे। रिव्यू दो, चलो रिव्यू। बहुत टेस्टी है। नेक्स्ट रेसिपी में बनाऊंगी सैलेड। मैं रेसिपी दे देना भाभी, बहुत टेस्टी। ओके तू भी टेस्ट करना बेटा। पाव भाजी खा ली है और सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी और मैंने भी खा ली और थक भी गई हूँ मैं, क्योंकि पाव भाजी वगैरह ऐसा कुछ भी बनता है तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, खड़े रहने का काम ज़्यादा हो जाता है। तो यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड और अभी देखेंगे मूवी। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।